कह चला वो सबको अलविदा, हो चला वो सबसे रुखसत, चुन ली उसने अपनी एक नई मंजिल, छोड़ चला वो उन गलियों को जहां उसकी छोटी से छोटी याद जुड़ी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल दोस्ती डांस के कुंवर अमर की, जिसने शो को टाटा गुड बाय कह दिया है। 3 साल से रे यानी अमर इस शो से जुड़े थे और सेट पर उनका बिताया ये आखिरी दिन उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। वो पूरी तरह उन यादों में खो चुके थे जो उन्होंने इस सेट से जुटाई है, और इसी स्पेशल डे को उनके कलीग्स ने और भी स्पेशल बनाया। सेट पर उनके साथ केक काटा और कई सारी मेमोरीज भी शेयर की, कई सारी लंबी लंबी बातें हुई और साथ ही आंखें भी नम हुई। हम सबने कोशिश किया, जब पता चला दैट सर इज नॉट देयर, वी ऑल ट्राइड कि हम एटलीस्ट उनको स्पेशल फील करवा सके। एंड जितने मतलब हम सब कल घर पे गए, आज उनके लिए कुछ किया, बट बहुत मिस करेंगे क्योंकि इनके बिना D3 आई डोंट थिंक पॉसिबल भी है। जब अभी सामने है तो इतना रियलाइज नहीं हो रहा है, वो वंस ही विल नॉट कम ऑन द सेट देन वो मेजर इफेक्ट आएगा, बट डेफिनेटली वी इट्स लॉस फॉर D3 एंड बट श्योरली उसके लिए कुछ अच्छा है, तभी ही हैज टेकन दैट स्टेप। और एंड आई होपफुल कि जो भी आगे सोचा है या होगा फ्यूचर में अच्छा ही हो, काम भी कर सकते हैं आगे भी ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट आई एम डिसअपॉइंटेड कि जा रहा है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं कल सुबह घर पे उठूंगा और मुझे कॉल टाइम के लिए मैं फ़ोन उठाऊंगा और फिर याद आएगा कि नहीं यार आज तो शूटिंग में जाना ही नहीं है, इनफैक्ट आज के बाद जाना ही नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं आदत पड़ गई ना 3 साल से, रोज यहाँ पे आओ, सुबह से शाम तक रहो, मस्ती करो, साथ में खाना खाओ, साथ में डांस करो, सीन्स करो, सीन के पीछे मजाक उड़ाओ, कभी स्क्रिप्ट का मजाक उड़ाओ, कभी खुद का मजाक उड़ाओ, सब कुछ करते रहते हैं हम लोग, और अब वो सब एकदम ऐसा रुक सा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा डेफिनेटली, बट दिस इज लाइफ एंड लाइफ गोज ऑन, सो वी हैव टू फेस दिस। को स्टार्स ही नहीं, कुंवर अमर से तो सेट के सभी लोग हिले हुए थे, स्पॉट दादा से लेकर कैमरामैन, इनफैक्ट पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम कुंवर अमर के जाने से काफी गम में थी। दिस इज थिंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड राइट, लाइक द बिगिनिंग, दिस वाज माय फर्स्ट लुक एंड दिस इज द फर्स्ट पोस्टर ऑफ D3, सो आई थॉट लेट्स नॉट एंड, आई वोंट से एंड, लेट्स go through this only, I mean this is the last time I'm, maybe mostly I'm coming on D3 set, so I wanted to share my feelings with my people and the people who love me, jo shayad camera ke samne kabhi nahi aaye lekin jo log hamare piche bahut mehnat karte hain. mere vilas dada hai sabse senior spot dada, aur jis din maine pehli baar set pe enter kiya tha inhone aisa kaha tha, ae hero aa gaya side mein saab, to ab dur lag raha hai. तो मैंने शुरुआत करी थी तभी से हमारे साथ है, तो जितने भी आप मुझे देखते हैं ना, ये लाइटिंग अच्छी सी, ये वो जितना उसके पीछे जो मेहनत होती है वो ये करवाते हैं सर, सो थैंक यू सो मच। Day 1 से मेरे मेकअप आर्टिस्ट रहे और बड़ा अच्छे इंसान है बेचारे, थोड़े से इमोशनल, थोड़े नहीं बहुत इमोशनल, बट रोने लगे थे जब जाने का सुना, और मैं कब से मैं रोना कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो राजीव दादा, हाँ कैसे याद करोगे आप मुझे? ये मेरा मेरा भाई, मेरे पर्सनल स्पॉट दादा हैं जिन्होंने मुझे हर चीज़ खिलाई पिलाई, हर चीज़ मांगने पे लाके दी, हर चीज़ का ध्यान रखा, मेरे बीमार होने से लेकर के मेरे अच्छे होने से लेकर के हर चीज़, तो थैंक यू गोरख दादा। वेलकम सर। अपा आपकी याद आएगी, आपकी भी बहुत याद आएगी। वेल किसी ने ठीक ही कहा है, ऑल गुड थिंग्स हैव टू श्योरली कम टू एन एंड वन डे। दिल दोस्ती डांस में रे की ये कहानी शायद इतनी ही थी, या फिर यू नेवर नो इनका कमबैक भी हो सकता है। डेफिनेटली इफ द शो डिमांड्स फॉर मी टू कम बैक एंड
everything works well, I would love to come back. Well, Amar, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं किसी नए रूप में और इसी तरह अपने फैन से हमेशा जुड़े रहें. फिलहाल तो आपके न्यू वेंचर के लिए आपको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट. एबीपी न्यूज रिपोर्ट.